तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के यानी कि बीए फर्स्ट ईयर की द्वितीय सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली हैं, बीए सेकेंड सेमेस्टर की, और सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है और पेपर जो एमसीक्यू बेस पे होने वाला है यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास एवं चुनौतियाँ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में तो की ओर, और आपको वीडियो जरूरी देखना है इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हेल्पफुल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि NCERT ने कब विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्याचार्य, ठीक है, पुस्तकें या फिर पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री भी तैयार की है। तो NCERT ये शिक्षा मंत्रालय का एक संगठन है जिसका देखिए NCERT का मतलब समझ लीजिए, NCERT शिक्षा मंत्रालय का एक संगठन है, शिक्षा संगठन है एक, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा को आगे बढ़ावा देना और शिक्षा को आगे ले जाना, ठीक है। इसमें पुस्तकों को और प्लस जो किताबें होती हैं, ठीक है, और भी जितने भी पढ़ाई से संबंधित जितने भी सामग्री होती उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना प्लस उन सब चीज़ों का प्रकाशन करने की जिम्मेदारी NCERT की है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि विभिन्न कक्षाएं यानी कि जो विभिन्न क्लासें होती हैं उसमें पाठ्याचार्य पाठ्य पुस्तकें यानी पढ़ने वाली पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री भी तैयार की गई है किस सन में, तो ये आपको बताना। तो तैयार की गई 1976 में, सही जवाब डी होगा। अगला है कि जनता सरकार के द्वारा सन 1977 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इस मतलब कि जो 1977 में एक समिति का गठन किया गया था वो डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम समीक्षा समिति को किस नाम से पुकारा जाता है। तो 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति को जिस नाम से पुकारा जाता है वो है पटेल समिति, बी नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करके किस सन में प्रकाशित की गई। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं लेसन, ठीक है, इसकी रूपरेखा स्टेप बाय स्टेप ये पेज मतलब कि ये लेसन इस पेज पे पड़ेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ की जो तैयारी किस सन में करके प्रकाशित की गई थी तो वो समय था 1985 का, सही नंबर सी होगा। अगला कि पाठ्यक्रम की उपरेखाओं को क्या नाम दिया गया। तो पाठ्यक्रम की जो उपरेखाएं थी उनको नाम दिया गया कोर पाठ्यक्रम, क्या नाम दिया गया कोर पाठ्यक्रम, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि NCERT ने कब नई शिक्षा नीति के संकल्पों के अनुरूप उच्च प्राथमिक स्तर की विभिन्न कक्षाओं के लिए संशोधित पाठ्यचर्याएँ तैयार की। तो ये तैयार किया था इन्होंने 1988 में, सही जवाब 1988 होगा। और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी वीडियो एक ही बार देखने से आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अच्छे से मन लगा के क्वेश्चन को ना समझें ना सुने और दो तीन बार तो वीडियो कम से कम देखें, तभी आप लोगों के दिमाग में हर क्वेश्चन का उत्तर बैठेगा, ठीक है, समझ में आएगा। एक बार पढ़ाई करने से या फिर एक बार वीडियो देखने से कोई भी समझ में नहीं आती, वरना आप लोग पूरा सिलेबस एक ही दिन में ना पढ़ लें। क्यों 6 महीने लगते, क्यों साल में लगते भी ये करने में, क्यों आप लोग परीक्षा देने जाते तो एक ही दिन में नहीं तैयार हो जाता चीज़। तो ये सब मैटर करता है, कम से कम कोई चीज़ समझने में आपके दिमाग में घुसने में समय तो लगता है भैया, तो इस बात को ध्यान जरूर रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि NCERT ने कब पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम उपरेखाओं में सुधार करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया, ठीक है। तो ये तैयार किया था, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है, ये तैयार किया था इन्होंने सन 2000 में, सही जवाब इसका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अभाव में प्राथमिक विद्यालय प्रवेश दिलाने में समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय जो गांव में होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। तो किसके अभाव में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में समस्या उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखेंगे सरकारी नीतियों के ज्ञान के अभाव में समस्याएं होती हैं, सही जवाब ए नंबर होगा, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि किस चीज़ को दूर करके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है जो शिक्षा के समान अवसर के लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रमुख प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा गरीबी। तो किस चीज़ को दूर करके, यानी कि गरीबी एक ऐसा चीज़ है जिसको दूर करके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है जो शिक्षा के समान अवसर के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसका सही जवाब सी होगा। अगला कि प्रारंभिक यानी कि शुरुआती शिक्षा के विकास में किस कारण प्रवेश यानी कि एडमिशन एवं नामांकन सार्वभौमिक रूप से प्राप्त नहीं हो सका, तो उसका जो कारण है वो ये है, क्षेत्रीय असमानताएं। ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं प्रदान किए जाने के पश्चात भी किसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। तो सरकार भाई अपनी जितनी भी उसके पास सुविधाएं हैं या फिर जितनी बार उसके पास सिस्टम है, पॉलिसी हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं फैसिलिटी हैं, वो प्रदान कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जागरूकता की कमी है, वो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, इन दोनों में बहुत ही कम जागरूकता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिदिन कमाएं और प्रतिदिन खाएं इस पैटर्न पे चलते हैं, फ्यूचर को देखकर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी भी इन लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। अगला प्रश्न भैया प्रस्तुत है कि राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय आदि राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा प्रवेश का स्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, ज़्यादा है, समान है, क्या है। तो ध्यान रखेंगे बहुत ही कम है, सही जवाब इसका बी होगा। अगला है कि घरेलू पर्यावरणों में विभिन्नता या फिर घरेलू पर्यावरण में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है क्या चीज़। तो उसमें सिंपल सी बात है, विषमताएँ, ठीक है, उत्पन्न होती हैं, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा करने को क्या कहते हैं, मतलब कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस व्यक्ति द्वारा या किस व्यक्ति के समूह द्वारा किए जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है बहुभाषावाद, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि इनमें से किस कारण प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई आती है। तो वो आती है निर्धनता में, बहुभाषावाद में भी, लिंग विभेद में, तो इन सभी में शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई आती है, इसलिए सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न है कि ऐसी भाषा जिसे आमतौर पर घर पर रोज़मर्रा की बातचीत के लिए परिवार के साथ, ठीक है, परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाती है, उसे कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको बोला जाता है गृह भाषा, क्योंकि हम लोग अपने भाई घर में रहने अपने, तो घर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब कि एक ऑफिशियली लैंग्वेज में या फिर ऑफिशियली तरीके से नहीं बोल सकते हम आपस में, जिस भाषा में लोग समझ सके, मतलब कि एक तरीका जिसको बोलते नहीं है कि रोज़मर्रा वाली बातें, ठीक है, अपने अनुसार जो मन में आया। अगला प्रश्न है कि सरकारी नीतियाँ यानी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसियाँ होती हैं उसके अंतर्गत जो भवन निर्माण हुआ उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो उसकी जो गुणवत्ता है वो निम्न स्तर की, इसलिए सही जवाब डी होगा। अगला है कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में भाषाओं के अध्ययन के संबंध में किन भाषाओं का सुझाव दिया है। तो ध्यान रखेंगे ठीक है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में भाषाओं के अध्ययन के संबंध में जिन भाषाओं का सुझाव दिया है, ठीक है, वो है मातृभाषा, ठीक है, प्लस प्रादेशिक भाषा, ये दोनों, इसलिए सही जवाब सी होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि मुदालियर आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु प्रत्येक राज्य में किसके संगठन एवं स्थापना का सुझाव दिया है। तो उन्होंने दिया है, ध्यान रखेंगे, उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का, सही जवाब ये होगा। अगला है कि मुदालियर आयोग ने शिक्षकों के लिए सभी राज्यों में निम्न योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। तो आपको बताना है कि मुदालियर आयोग है, इसने शिक्षकों के लिए यानी टीचर जो होते हैं इनके लिए सभी राज्यों में जितने भी राज्य हैं उसमें निम्न योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया, तो कौन सी योजना है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, प्रमुख प्रश्न है त्रिमुखी लाभ योजना, इसके बारे में रिसर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में कम से कम 3 से 4 या फिर 5 मिनट लग जाता है, तो एक क्वेश्चन पर अगर हम 5 मिनट आपको एक्सप्लेन करके अच्छे समझाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, 3 से 4 घंटे की वीडियो बनेगी और समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम मेन क्वेश्चन बता देते हैं और थोड़ा बेसिक समझा देते हैं और उसके बाद उत्तर बता देते हैं कि ये महत्वपूर्ण भैया, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है,
अगर समय ज़्यादा रहता है, परीक्षा को 2-3 महीने लगे पहले, मतलब कि 2-3 महीने रहते हैं, तो हम आपको अच्छे समझाते हैं। हमारी पिछली वीडियो आप देख ही भी पा रहे होंगे, जो सिलेबस में मैंने अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो ज़्यादा समय इसलिए मेन क्वेश्चन फोकस करते हैं ताकि आप लोगों को तैयारी अच्छे से हो जाए। और अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि माध्यमिक स्तर पर हंटर आयोग ने शिक्षा का माध्यम के रूप में पक्ष, मतलब कि माध्यमिक स्तर पर हंटर यानी कि हंटर के जो आयोग थे, हंटर आयोग ने शिक्षा का माध्यम किस रूप में इसका पक्ष लिया है। तो उन्होंने जिस भाषा में पक्ष लिया है या फिर जिस माध्यम के रूप में पक्ष लिया है वो है मातृभाषा और प्लस वो है अंग्रेजी। इसलिए सही जवाब सी होगा। अगला कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन है किस सन में किया गया था, तो ये किया गया जो आज माध्यमिक शिक्षा लोग बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इसका जो गठन है, इसका आयोग का जो गठन है हुआ था 23 सितंबर 1952 को। सही जवाब इसका हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला कि माध्यमिक शिक्षा की प्रगति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा 1986 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया था 1986 में। कुल मिला के अभी तक हमारे देश में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई हैं, पहली, फिर उसके बाद में कुछ संशोधन किया गया, फिर एक और लागू हुई, ठीक है, उसके बाद ये जो 2020 में चल रही है ये, ठीक है। तो कुल मिला के 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, किस सन में की गई थी, तो ध्यान रखेंगे नवोदय विश्वविद्यालय की स्थापना माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु 28 फरवरी 1986 को की गई थी। कब की गई थी, 28 फरवरी 1986 को। सही जवाब इसका बी होगा, ध्यान रखेंगे। प्रमुख प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक मिनट, क्वेश्चन ही नहीं है इसको, हाँ क्वेश्चन ये है कि नवोदय विद्यालय निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो नवोदय जो विद्यालय है इन अवसरों में से किसी से संबंधित है आपको बताना है। तो जो नवोदय विद्यालय है वो संबंधित है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख प्रश्न एग्जाम के लिए ये है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यानी कि CBSE से संबंधित है नवोदय, ध्यान रखेंगे, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला कि RMS का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है, तो RMS का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ए नंबर सही जवाब होगा। प्रमुख प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSF की शुरुआत RMSA की शुरुआत किस सन में की गई थी, तो ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसकी जो शुरुआत है 2009 में की गई थी, मार्च 2009 का समय था, उसी महीने में की गई थी, 2009 में मार्च महीने में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्न में से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है, उद्देश्य नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है, तो उद्देश्य ये नहीं है, जो ये है कि माध्यमिक स्तर की पुस्तकें छापना, ये उद्देश्य नहीं, बाकी सभी हैं। सही जवाब इसका डी होगा, यहाँ पर नहीं की बात हुई है, ध्यान रखेंगे। अगला कि माध्यमिक शिक्षा में विभिन्नीकरण की समस्या का अध्ययन किन रूपों में किया जा सकता है, ठीक है, तो जिस रूपों में किया जा सकता है वो आपको बताना है, तो ध्यान रखेंगे माध्यमिक शिक्षा काल में विभिन्नीकरण के रूप में किया जा सकता है, पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण के रूप में किया जा सकता है, विद्यालय के प्रबंध एवं प्रशासन में विभिन्नीकरण के रूप में किया जा सकता है, इसलिए सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी सही हैं तीनों। अगला कि माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है, किस आयोग ने कहा है, तो ये कहा है कोठारी आयोग ने कहा है। बहुत सारे आयोग हैं जैसे कि नई शिक्षा नीति आयोग है, फेडलर आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग है, तो इसी तरह कोठारी आयोग है जिसने ये बात कही है, जिसका नाम है कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर सुझाव दिया है कि, कौन सा सुझाव दिया है, तो ध्यान रखेंगे उन्होंने सुझाव दिया है कि माध्यमिक शिक्षाओं में औद्योगिकरण एवं व्यवसायिक कुशलता की उन्नत किया हो, मतलब कि उन्नत की जाए व्यवसायिक क्षेत्र में भी और प्लस औद्योगिक क्षेत्र में भी, ठीक है, शिक्षाओं में ग्रामीण विद्यालय में कृषि शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, बड़े पैमाने पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, तो इन सभी चीज़ें होनी चाहिए अगर माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण में अगर आगे जाना चाह रहा है, तो इसके प्रमुख सुझाव हैं, इसलिए सही जवाब इसका डी होगा। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या कौन सी इन अवसरों में से, तो माध्यमिक शिक्षा की समस्या जो है वो है प्रवेश में समता, ठीक है, समता की समस्या, बहुभाषा की समस्या, अभिभावकों पर आर्थिक बोझ की समस्या, तो ये प्रमुख समस्या है जिनसे माध्यमिक शिक्षा, मतलब कि जो बच्चे शुरुआती क्लास में, ठीक है, नहीं पढ़ पाते या फिर प्राथमिक शिक्षा की, ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनकी वजह से माध्यमिक शिक्षा लोग नहीं ले पाते हैं, ये फिर माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं, ध्यान रखेंगे।
अगला कि जनसंख्या बनाम कक्षा जिसको मास वेस क्लास कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है, इसका जो मतलब होता है, कक्षा यानी क्लास में छात्रों की संख्या का अधिक होना, सही जवाब ए नंबर होगा। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा में बहुभाषा की समस्या के अंतर्गत निहित है, क्या निहित है? तो ध्यान रखेंगे माध्यमिक शिक्षा में बहुभाषा की समस्या के अंतर्गत जो निहित है वो यह है कि बालक की गृह भाषा में विद्यालय की भाषा में भिन्नता, ठीक है, ये बहुत बड़ी बहुभाषा की समस्या के अंतर्गत निहित है, ध्यान रखेंगे। अगला कि माध्यमिक स्तर पर कक्ष की समस्या कौन नहीं है? तो माध्यमिक स्तर पर कक्ष की समस्या जो नहीं है वो ये है कि कक्षा में छात्रों की कम संख्या, सही जवाब डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि NSQF का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल नेम क्या है? तो NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, सही जवाब ए नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि NSQF का हिंदी में पूरा नाम क्या होता है, यानी NSQF का पूरा नाम फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल योग्यता उपरेखा, इसलिए सही जवाब बी नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि देश के भावी कर्णधार माध्यमिक शिक्षा के ढांचे से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं, सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की क्षमता इस स्तर पर ही उत्पन्न हो जाती है कि दुर्भाग्यवश शिक्षा की यह कड़ी जितनी महत्वपूर्ण और अनिवार्य है उतनी ही निर्बल और अपेक्षित भी है, ये कथन कौन से विद्वान ने कहा है? तो ध्यान रखेंगे ये कथन है प्रमुख विद्वान डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा जी के द्वारा कहा गया है, ए नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? तो बहुत बड़ा साधन है शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवोदय विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है, यानी कि भारत में जो नवोदय जो विद्यालय हैं उसका उद्देश्य क्या है भैया, ये बताना है। तो प्रमुख प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो नवोदय जो होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को ऑफर देना, जो अच्छे बच्चे हैं ग्रामीण एरिया के हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, उनको और एक ऑफर दिया जाता है, ठीक है, प्रतिभाओं को ऑफर देना, यही मुख्य उद्देश्य है नवोदय विद्यालय का। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदा लियर कमीशन की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये की थी सन 1952 में, सही जवाब इसका ए नंबर होगा। अगला कि शारदीय बालिका छात्रावास योजना प्रारंभ की गई थी किस सन में? तो शारदीय बालिका छात्रावास यानी कि जिसको आप लोग हॉस्टल बोलते हैं, यहाँ पर बच्चे रह सकते हैं, इसकी शुरुआत 2008 और 9 के बीच में की गई थी, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों की लक्षित आयु यानी कि उम्र कितनी है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों की लक्षित जो आयु वर्ग है, उम्र है, ध्यान रखेंगे वो 14 से 18 है, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो किया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यही कार्यक्रम शुरू किया गया था, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि रमसा ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापक यानी जो टीचर होते हैं उनकी गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCERT न्यूपा आदि के संयोग से अनेक कदम उठाए, इनमें से एक कदम कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से एक कदम यह है कि स्कूल नेतृत्व विकास का कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जो अध्यापक की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया, फिर कदम उठाए गए, उसमें से एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि स्कूलों का अपना मूल्यांकन अधिक केंद्रित और कार्यनीतिक ढंग से करने में तथा समर्थ बनाने में कौन सा कार्यक्रम सहायक है इन अवसरों में से? तो ध्यान रखेंगे वो कार्यक्रम है शाला सिद्ध, बहुत ही सहायक कार्यक्रम है, ध्यान रखेंगे। अगला कि डाटा आधारित निर्णय उपलब्ध करवाने के लिए CBSE ने कौन सा निर्णय सहायता प्रणाली की विकास किया है, फिर किस चीज़ की विकसित की है किस चीज़ को? तो उन्होंने की है सारांश को, सी नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष कौन होता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ये आपको बताना है, वो होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कैंडिडेट ही होता है, ध्यान रखेंगे। अगला कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना किस सत्र में प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां एक योजना है जो कि शुरू की गई थी, ध्यान रखेंगे, 2015 और 16 में, सही जवाब डी होगा। अगला कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े
186 ब्लॉक यानी जिसको आप लोग तहसील बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग बोल तहसील बोलते नहीं हैं, तो तहसील में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक स्तर शिक्षा की पहुंच बालिकाओं तक बनाने के लिए कौन सी योजना प्रक्रिया अधीन है? तो उस प्रक्रिया या फिर उस योजना का नाम है, ध्यान रखेंगे, शारदीय बालिका छात्रावास, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय स्थान कितना प्रतिशत है? तो वो है 75, ठीक है, अनुपात, ठीक है, अनुपात 25%, ठीक है। अगला है कि बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो ये है 90:10, ठीक है। अगला है कि रमसा का अध्यक्ष कौन है? तो रमसा का जो अध्यक्ष होता है वो होता मानव संसाधन विकास मंत्री, बी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी 1099 केंद्रीय विद्यालय को कवर करने के लिए 5/6/2015 को, यानी कि 5/6/2015 को कौन सी, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताएं सही उत्तर इसका, ठीक है। एक मिनट फिर से पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। सभी 1099 केंद्रीय विद्यालय को कवर करने के लिए 5/6/2015 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो उस योजना का नाम है, ध्यान रखेंगे, शाला दर्पण, ठीक है, शाला दर्पण योजना प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है, ए नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि देश का वैभव विश्वविद्यालय से समृद्ध होता है या फिर विद्यालयों से समृद्ध होता है, या फिर विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देश का वैभव विश्वविद्यालय से समृद्ध होता है, दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं, ये विचार कौन से विद्वान का है? तो ये डॉक्टर आर के सिंह का, ठीक है। अगला है कि किस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से अवरुद्ध नहीं रह सके, समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के फलस्वरूप विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहिए? तो ये जो ठीक है, ये राधाकृष्णन आयोग में बात कही गई, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि शैक्षिक स्तर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी ऊपर नहीं उठता है, उस पर ग्रेसम का नियम लागू हो जाता है, और ये लिखा है कौन से विद्वान ने? तो ये लिखा है प्रमुख विद्वान एसएन मुखर्जी ने, ठीक है, मुखर्जी ने, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि विश्वविद्यालय की उपाधि सरकारी नौकरी हेतु एक पासपोर्ट की थी, शिक्षार्थी की नौकरी हेतु थी, ना जीवन हेतु तैयार करने की सीमित, ठीक है, सीमित उद्देश्य प्रदान की जाती थी, ये कौन से विद्वान ने लिखा है बात, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, फिलहाल जान लीजिए, गुन्नर मर्डर, ठीक है, मर डल ने कहा है। अगला है कि ये विचार किसका कि हमारे ज्ञान और शिक्षक सॉरी हमारे ज्ञान और शिक्षण का स्तर उच्च तो कभी नहीं था, परंतु अब यह अत्यंत तेजी से नीचे की ओर जा रहा है, ये जो विचार है प्रमुख विद्वान श्री आयंगर के द्वारा कहा गया है, सही जवाब ए होगा। तो आज इस वीडियो में करीब करीब मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताए, हालांकि बताएं तो आपको 70-80 तक हैं, बाकी 10-15 क्वेश्चन नीचे हैं, ठीक है। तो पूरी 100 क्वेश्चन की PDF है, और ये सिर्फ और जहां पर क्वेश्चन है उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको क्वेश्चन के साथ उसका उत्तर भी चाहिए, सॉल्व मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की MCQ टाइप की जो PDF है, ठीक है, सॉल्वड वाली प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जय हिंद।